ठीक आपको 11:55 पे कांटेक्ट किया। तो गाइज शिवम भैया और उज्जवल की तरफ से हमें बहुत प्यारा कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। कितनों की लव स्टोरी यहां केसरिया तेरा। हे गाइज वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है आजकल कजन गेट टुगेदर चल रहे हैं। रूबी दीदी आए हुए थे, पिछली कल हम रूबी दीदी की मूवी के प्रीमियर में गए थे तो बहुत अच्छी मूवी थी और सब लोग चंडीगढ़ में तो टाइम स्पेंड भी हो रहा है तो कल सब जने मिले थे और कल हम शिवम भैया और उज्जवल के घर में थे रात को। तो लेट सोए सब जने ना क्योंकि बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो रात को मैंने डिसाइड किया था मैंने और शिवम भैया ने कि मैं ब्रेकफास्ट बना के लाऊंगी। नीचे से सारे जने ऊपर ही सो गए थे ना तो मैं कहा मैं कुछ बना लूँगी जब तक आप लोग उठोगे। तो सुबह सुबह मैं इसलिए उठी हूँ और मैंने ध्रुव को बोला है ध्रुव प्लीज़ कुछ वेजिटेबल्स मंगा दो। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक दो सब्जी बना के या तो वो लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे नहीं तो मैं सब्जी बना के ऊपर चल जाऊँगी। शिवम भैया ने बोला कि चपातियों बना लेंगे क्योंकि शिवम भैया चपाती बहुत अच्छे बनाते हैं। तो मैं कहा ठीक है हो जाएगा इसीलिए मैंने सुबह सुबह ध्रुव को भी उठा दिया, खुद भी उठ गई हूँ और फटाफट बना दूँ जब तक उठते हैं। पता नहीं उठ गए होंगे क्या हो गया होगा, जब तक उठते तब तक होप मेरा मतलब सारी वेजिटेबल्स बन जाए और हम एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर सके। अच्छा नहीं सिंपल सा बट मतलब भूख पूरी हो जाए वैसा ब्रेकफास्ट कर सके। तो बस करते आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वैसे कल रात हमने बहुत इन्जॉय किए, मैंने शायद एक क्लिप भी ली थी, अगर वो होगी तो मैं ऐड ऑन कर लूंगी उसमें। वेरी गुड। आज तो भाई मतलब संडे के दिन इतने जल्दी उठ के ना, फर्स्ट टाइम उठ रहे हो संडे, लग रही होगी आदत नहीं है ना उठने की। हाँ। कल हमने बढ़िया गेट टुगेदर किया कजन्स ने, जब तक वो उठे ना फिर जाना होगा इधर उधर भी निकलना होगा ना, तो इससे पहले पहले हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। We have to make sure, बाकी मेरी गाड़ी धोने वाला भी नीचे आ गया, गाड़ी भी धुल जाएगी। तो ठीक है कोई नहीं, एक दिन जल्दी उठना पड़ जाए उसमें क्या यार। कल हमने बोला था ना कि हम बना लेंगे तो मैं क्योंकि... भी इनकी हेल्प करूंगा। हाँ। बनाने में एक चीज सोच रहा हूँ मैं बनाऊँ, एक चीज अंजना बनाएगी। नहीं नहीं मैं बना लूंगी ऐसा कुछ नहीं है बट फटाफट दो डिशेज मैं बस ये कटिंग में हेल्प कर, मैं बस ये बोलूँ ना आप एक बार मैसेज कर लो ऊपर उठ गए वो लोग, नहीं उठे तो वो नीचे आने को बोल रहे थे तो उनको बोल दो कि नीचे आ सकते हैं, साफ सफाई होगी सारा कुछ। उठ भी गए हम तो नीचे भी आ सकते हैं वो लोग, कम ही लोग हैं गाइस, हम बच्चे बच्चे ही है तो फिर देख लेना। ठीक है मैं तब तक शुरू कर देती हूँ, है ना। हाँ बस सब्जी आ रही है 5 मिनट में, वेट कर लो और फिर करते स्टार्ट। शायद ऑर्डर आ गया ब्लिंकिट से ना। थैंक यू भैया। डर रहता है काट ना ले, और सब्जी अपनी बहुत सारी आ गई है। चलो जी मेरी गाड़ी भी अंदर से साफ हो गई, बंद कर देते हैं। काश यहाँ पे भी धूप पड़ती ना थोड़ी सी तो मजा आ जाना था, है ना सेवी भाई। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आपने सबको हाई फाई किया अभी? हाई फाई किया सेबू? हाई फाई करो, चलो जल्दी से हाई फाई करो। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, हाई फाई हाई फाई, जल्दी गुड बॉय। तो सब्जियाँ बनी कैसी होगी? है तो ठीक है, फ्रेश है, वाह। हेल्प करता हूँ मैं फटाफट ना कट करने में आपकी। आपने आपने पुदीना भी मंगवाया ना, आप चटनी बना दो। चटनी, चलो ये अच्छा आइडिया है, आप सब फटाफट कट कर लो। तो भाई प्रिपरेशन हमने कर लिए, मैंने ये वाला काम किया, बड़ा मुश्किल था जो ये पुदीना वाला काम, क्योंकि पुदीना अगर आप लो ना तो खुद ही लो तो अच्छा रहता ऐसे ऑनलाइन ना, वही ना मतलब ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, पर मैंने जितना हो सका ना इतने सारे गुच्छे में इतना सा पुदीना निकाला। वैसे ना अभी ही हुआ क्योंकि बीन काटने में भी बहुत टाइम लग जाता है और इसमें पुदीना में तो लग ही जाता है। चल अब हो ही जाएगा, अब तो बस तड़का मारना है इसके बाद और। हाँ बस मैं फिर मैं सोच रही हूँ कि चपाती भी मैं बना देती हूँ, लगता है उठ नहीं होगा ना। हाँ एक ही जगह पे कर लेंगे फिर, कहाँ ऊपर लेके जाएंगे हम सब्जी वगैरह, यहीं पे ब्रेकफास्ट सब कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ भाई हेबो कैसा है तू? आटा भी ख़त्म था तो आटा भी मंगवाया हमने। सेवी भाई को खाना दे देते हैं ना, ब्रेकफास्ट तो करेगा ना शेबू। चलो भाई ब्रेकफास्ट। तो भाई मैंने पूरे घर को साफ कर दिया है जितना मतलब मैं कर सकता था अपनी मेहनत से, और हमारी मैम ने भी खाना बना दिया पूरा ऑलमोस्ट। चपाती होगी अपनी, यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे पनीर बनाया, मटर पनीर है ना, और मिक्स वेज। नाइस। ब्रेकफास्ट के लिए बोला था बट वो लोग कोई उठे नहीं थे तो मैं ब्रंच टाइप बना लेते हैं। हाँ वो ज्यादा सही रहेगा ना फिर सबको, लेट हो जाते हैं यार वैसे उठते उठते। और
सीन क्या हो गया, आटा कम हो गया तो फिर मैंने मंगवाया तो दिया। आईडिया नहीं लगता ना, नहीं तो वैसे तो ठीक था, पर जब गेस्ट आते हैं तो फिर उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अपने पास दही तो बड़ी, इसका रायता तो नहीं बना, मैं बना देता हूँ रायता, तो रायता मैं बना दूंगा। और मैंने चटनी भी बनाई है, तो बाकी उनसे जाने के लिए यार मेरे को लगा ना कि चल थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाएगा इस बहाने ना, वरना मुश्किल हो जाता है। पर यह है कि अब अपनी तरफ से खाना ऑलमोस्ट रेडी है 100%, बस आएंगे वो लोग और हम खाएंगे। भूख लगी होगी सब को भी बहुत ज्यादा। जीजू इतना खाना खिला दिया इस लड़की ने, मुझे नींद आ रही है। आप पहली बार आए ना, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा खाना? बहुत बढ़िया लगा, मैं पहले भी आया हूँ। नहीं खाना आपने ऐसे प्रॉपरली आज पहली बार खाया, डिनर प्लान किया था मैंने आप लोगों के लिए, बट लड़की ने इतना बढ़िया खाना बनाया, मजा आ गया। और अभी आज लोग तो खा ही रहे हैं। हाँ ठीक है, वापस जा जाके खा रहे हैं। हमने चटनी बनाई है बहुत ही टेस्टी, और अच्छा रायता भी। और जहाँ मैं दो रोटियां खाती हूँ आज मैंने चार रोटियां खाई। चलो आप लोगों के लिए वैसे तो मैंने डिनर प्लान किया था, बट आप लोगों का बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपको वैसे ही चलाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। डिनर के लिए भी आएंगे, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच यार, आपको ठीक है। हाँ जी, ये दो कैंडिडेटियां खा रही, स्पेशल ये स्पेशल गेस्ट है, लेट आए थोड़ा, फोन कर करके नैन्सी दीदी के कहने पे आए। निखिल भैया आप इतने दिनों बाद, आप इतने अच्छा निखिल भैया आप इतने दिनों बाद आए, कैसा लगा आपको खाना? रोटियों में आपको कंपटीशन मिल सकता है? नहीं यार चलो कोई नहीं, बस ठीक है ना, उज्ज्वल रहेगा। हम तो पुराने हैं तो बीच में क्या मुश्किल। नेक्स्ट प्रीति दीदी, प्रीति दीदी और निखिल भैया बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या मेहनत करती है, बहुत मेहनत की लगती है। ऐसा रिव्यू दो तेरे पास ही आ गई। अच्छा चलो पैसे दो, हमारी फैमिली सही बात बोल रही है। हम आपको धमकाया था कि अच्छा अच्छा बोलो, सैलरी रिवॉर्ड बैक, इतने रिक्वेस्ट मिलेगा यार। मतलब आप लोगों को सच में अच्छा नहीं लगा खाना? खाना बहुत अच्छा था, कैसे विश्वास नहीं होएगा लोगों को यार, सच में विश्वास भाई। मेरे बंदे चीनी कम पीते हैं, ये बोले कि तुमने चीनी नहीं डाली। हम है ना ये ज्यादा पीते हैं यार। रुकता जी माफी चाहते इस बार थोड़ा सा, कि चीनी थोड़ी कम रखी ना आपके लिए। शक्कर है, चलो शक्कर है। अब ये चॉकलेट बिस्किट भी खाएगा ना साथ में, खान अब देखना कैमरे के आगे बदल रहे हैं। रुकता जी हम ऐसे नहीं मानेंगे, ये रुकता जी बताइए क्या करता है। थाली में प्लेट खाली, हमारी ऑडियंस को पता है मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता। हाँ हाँ, नो कट व्लॉग्स बनाते हैं हम। एक देखो बिस्किट खाते हुए उज्ज्वल जी पकड़ा गया, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं लगी। ये चीटिंग 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 गाइस, रिव्यू मुझे मिल गया, मेरे खाने का जादू है कि देखो चीनी ना खाने वाले भी चीनी खा रहे हैं। बिस्किट बिस्किट खा रहे हैं, चीनी नहीं खा रहे। और
तो गाइज शिवम भैया और उज्जवल की तरफ से हमें बहुत प्यारा ड्रीम कैचर मिला है, थैंक यू सो मच निखिल भैया। ड्रीम कैचर एक बहुत ही बढ़िया यार, ये तो मेरा है यार, मैं दूसरा ले दूंगी। कहाँ पीछे नहीं लग रहा है, गिफ्ट तो मिल गया बट समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाया। हाँ। इसको हम सोचेंगे कहाँ लगाए यार, सोचते हैं इसको। हाँ। अभी क्योंकि ना मैं कोई पोजीशन मिल नहीं रही, सामने तो जरूर यहाँ पे लगाते हैं। गाइस आप भी बता सकते हो एक और नई जगह, ड्रीम कैचर को कहाँ लगा, ड्रीम कैचर एक और नई जगह। पापा भी आ गया, नहीं नहीं मैं बनाता हूँ ये ड्रीम कैचर का, बताओ आप कहाँ लगाना चाहिए। शिया मुझे लाए थे ना तो उन्होंने दिया है हमें, यहाँ पे लगाए इस वाली दीवार पे कि उस साइड को लगाए, नहीं नहीं इस साइड को बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे वहाँ पे, वैसे वो वॉल खाली भी है पूरी ना, यहाँ पे अच्छी भी लगेगी, वैसे कील लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो गाइस बढ़िया रेस्ट करने के बाद अब जा रहा हूँ मैं सेविंग को घुमाने। आज का दिन तो गाइस पता नहीं कैसे बीता, पता ही नहीं चला, सुबह सुबह से जल्दी उठ गया, इसके दिन में मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया और अब देखो रात हो गई है। चलो इसको घुमाते फिर आते फ्री करते फिर चलते हैं ऊपर। 7:30 हो गया, तो दिन सुबह गाइस सारे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो 11-12 बज गए ऐसी बातों में। फिर उसके बाद मेरे को बर्तन धोने थे, साफ़ सफाई करनी थी थोड़ा बहुत जो घर का काम होता है। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी गाइस, क्योंकि मैं ना हम लोग उससे पिछले दिन जब सब कज़न मिलते हैं ना तो बहुत देर रात तक बातें करते करते मतलब 3 बज गए थे, 3:30 बजे सोए थे मैं और ध्रुव, 4:15 हो गए थे और सुबह 7 बजे उठ के सबके लिए खाना बनाना था। तो उसमें ना यार सुबह उठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट के लिए तो बोल दिया था सबको, अब उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी वो नहीं था। वैसे पहले शिवम भैया ने बोला था चपाती मैं बना लूँगा, सब्जी तो बना ली, बट सुबह उठे नहीं तो मैंने ही सारा कुछ बना लिया नीचे, तो काफ़ी ऐसी हो गई थी मैं सुबह। उसके बाद ना फिर दिन को थोड़ा सो गए थे, क्यों ध्रुव है थोड़ा सो गए थे मैं, उसके बाद 3 बजे पापा भी आ गए, जरूरत थी ना तो पापा भी आए थे, जिन वजह से ड्रिंक कैचर ना यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी गाइज मैंने इनको कमेंट सेक्शन में बोला अगर आपको कुछ लगता है कि हम कहीं और अच्छा लगेगा तो आप बता सकते हो, सजेशन में दे सकते हो। बाकी एज यूजुअल रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि गाइज अगर हमारे 1,00,000 तो गाइज अगर 50,000 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाते हैं अंजना के बर्थडे तक 21 अप्रैल, तो मैं और अंजना एक गिव अवे अनाउंस करेंगे, तो उसका कॉन्टेस्ट भी हम मतलब आने वाली वीडियोस में बता देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वो तभी होगा अगर 21 तारीख तक 50,000 हुए गाइस तभी। एंड प्लीज ये इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तब तक हो जाए, बस ये आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से हो जाएगा बहुत आसानी से, और आप लोग कर भी लोगे इतना तो हमें आप पे विश्वास है। कुछ नहीं करना, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी मतलब आपको लगता है कि सब्सक्राइब और हमें देख सकते हैं, हमारे कंटेंट को कंज्यूम करेगा, उनको आप डेफिनेटली शेयर करें, ऐसे ही प्यार बना के रखिए, मोटिवेशन मिल रही है हमें और भी कुछ नया है नया करने की। और कल तो ध्रुव को ऑफिस भी जाना है यार, काम भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है यार आजकल तो, वैसे भी इतना हो गया ना जैसे सब मिलते हैं तो ऐसे मिल के रोज लेट नाइट सो रहे हैं उठ रहे हैं, तो आज तो हमने डिसाइड किया है क्योंकि ध्रुव को कल ऑफिस जाना है, हमें भी कुछ काम है अगर वो होता है कल तो जाना है बाहर, तो उसके लिए जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाइस नींद बहुत ज़रूरी होती है, आप लेट नाइट मतलब रात की नींद रात की होती है, आप वो दिन को पूरी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा बोल रहे हो, मैं कह रहा पापा करेंगे यारी वाला। चलो ठीक है पापा आ जाएंगे ना, थोड़ा ज्यादा आइडिया है। तो दिन को पापा को मैंने बोला था कि पापा रेस्ट कर लो, धूप बहुत है अपना काम शाम को कर लेना, कोई और जगह हम चूज करें इस चीज के लिए। एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम
इसको यहाँ पे लगाए, एक बार पापा को आने देते हैं ना तो डिसाइड करते हैं। गाइस आपको ना अगले व्लॉग में दिख जाएगा ये हमने कहाँ लगाया है। वैसे आप भी सजेस्ट कर सकते हो हमारी पूरी यहाँ देख लो दीवारें कहाँ लगा सकते हैं, कौन सी जगह पे आपको लग रहा है कि फिट हो सकता है। अच्छा ये देख लो यहाँ पे हमारी मैरिज की फोटोग्राफ्स है जो हमने बहुत कम कर दी है, यहाँ पे एक ही है। एक साइज तो बची है, पनीर खत्म हो गया है हमारा पूरा। एक दाल बना दो बढ़िया, एक दाल बना देती हूँ, चपाती बना लेती हूँ। कल ध्रुव को लंच भी ले जाना होगा यार, लंच भी ले जाना होगा और ऑफिस भी जाना है, अभी एडिटिंग भी करनी होगी इस ब्लॉग की। तो होप कि गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज थोड़ा सा हमने रेस्ट डे जैसा मनाया है, रेस्ट डे तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है सबके लिए, वो भी सडन दिन थोड़ा लेजी रहा ना, उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसे कर नहीं पाए। उसके बाद हम इसलिए थक गए थे क्योंकि ना हम रात को देख कितने 3 बजे ऊपर से आए थे, 3:30-4 तक सोए हम, फिर सुबह रात को पहले सुबह फिर जल्दी उठ गए। तो और ध्रुव ने ना मेरी पूरी हेल्प करी, रायता चटनी वगैरह बनाने में, अब सबके लिए बनाना था, अगर हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम होता तो ज्यादा करते, बट ब्रेकफास्ट में जितना मतलब हमसे हो पाया हमने किया और सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भूखा नहीं रहा, मतलब कम नहीं पड़ी मेरे को, ये चपातियां कम ना पड़ जाए क्योंकि इतने सब लोगों के लिए अकेले थोड़ा चपातियां बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कर लिया मैंने यार। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं और धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। बस अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को एंड करते हैं। हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्त एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। देखते रहे ध्रुव अंजना व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। 21 अप्रैल फिर से याद दिला रहे आप Congratulations and celebration. चलो congratulations and celebration.